हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए इतनी मज़ेदार सी शिमला मिर्च कीमा मटर की रेसिपी लेकर आए हैं कि हर कोई खाने वाला बेहद तारीफ करेगा। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, रेसिपी पसंद आ जाए तो भाई इसको लाइक कमेंट फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाना भी है इसको आसान और खाने में भाई टेस्ट तो पूछो ही नहीं, इतना पसंद आने वाला है सबको, बहुत ही ज़्यादा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ कीमे को अच्छे से धुल लिया है। हमने यहाँ 500 ग्राम कीमा लिया है, जिसको अच्छे से धुलकर जिस भी बर्तन में बनाना है उसमें हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। कीमे की और भी बहुत मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज़ हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपको कीमा पसंद है और आप चाहते हैं अलग अलग टेस्ट के साथ में मिल जाए भाई कीमे की रेसिपीज़, तो हमारे चैनल पर ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। कीमे के साथ में हमने अब यहाँ डालना है एक अदरक का छोटा टुकड़ा लिया था जिसको हमने काट लिया है, 10 से 12 छोटी लहसुन की कलियां ली हैं, दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, हरी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, 10 12 काली मिर्च, 3 4 लौंग लेने हैं, और साथ में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर दिएगा, एक तेज पत्ता लिया है हमने, और आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा। सारी चीज़ें डाल दी हैं हमने इसमें, और एक मीडियम साइज़ का चम्मच कुकिंग ऑयल भर के हम इसमें डाल देंगे। उसके साथ में अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, लहसुन अदरक कटा हुआ ऐसे साबुत नहीं लेना है, तो आप इसकी जगह एक छोटा चम्मच लहसुन और एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाल दिए हमने एक बड़े साइज़ की प्याज काट के, और एक ग्लास छोटा ग्लास भर के पानी, एक छोटा कप यानी कि आप डाल दें इसमें, और सबको बस अच्छे से मिलाएं, हाई फ्लेम पे फटाफट से लगा लें यहाँ पर एक व्हीसल, एक से दो व्हीसल, और उसके बाद मतलब आप अपने बर्तन के हिसाब से इस कीमे को थोड़ा सा गला लिएगा 60-70% तक। उसके बाद इसको हमें भून लेना है काफ़ी अच्छे से, जब तक कि तेल अलग नहीं दिखने लगता और मसाला कीमा एकदम अच्छे से चिपक नहीं जाता। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में प्रेस करना नहीं भूलना बेल आइकन लेटेस्ट रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। या आपको हमारी अगर आप ये कीमे की रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत ही मज़ेदार और मटर शिमला मिर्च एकदम डिफरेंट टेस्ट और बहुत ही बढ़िया ये कीमा हमारा बनकर तैयार होगा, और जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे ना वो दोबारा फरमाइश ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे कीमा अच्छे से भुन गया है, तेल बिल्कुल अलग दिखने लगा है। बस इस स्टेज पे हमें क्या करना है, बस ये ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से पहले हम इसको भून लेंगे, उसके बाद जब हमारा कीमा काफ़ी अच्छे से भुन जाएगा तब यहाँ पे हमें अभी शिमला मिर्च या मटर कुछ भी नहीं डालना है। बस फटाफट से हम डाल देंगे एक कप और पानी, पानी डालने के बाद एक छोटा कप पानी डाला है हमने, पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए, और पानी यहाँ हमने ली है आधा छोटा कप मटर और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च जिसको इस तरह से काट लिया है। अब यहाँ पे पानी आधा सूख चुका है इसका, मीडियम फ्लेम पे हमने छोड़ दिया था इसको, और उसके बाद ये शिमला मिर्च कटा हुआ और मटर हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके इसको छोड़ देना है हमें, जब तक कि हमारी जो मटर है और शिमला मिर्च पूरी तरह से कुक नहीं हो जाते इसके साथ में। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी ये हमारा कीमा जो है बनेगा। अब बस इस तरह से हमने इसको अच्छे से पहले मिला लेना है और लो फ्लेम पर छोड़ देना है, जब तक कि हमारी शिमला मिर्च और कीमा मटर गल नहीं जाता पूरी तरह से। अब यहाँ पर करीब 6-7 मिनट के बाद चेक किया हमने, एक दो बार बीच में चलाया भी था और यहाँ पे हल्की फुल्की कसर रह गई है शिमला मिर्च और मटर में, बाकी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से और डाल दीजिए इसमें। अगर आपको लगता है कि इतनी मिर्च ही काफ़ी है जो हमने लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, इससे ज़्यादा नहीं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, हरी मिर्च नहीं डालें कोई नहीं। अब यहाँ पर हमारा कीमा बढ़िया से भुनकर तैयार हो गया, एकदम बन गया है, खाने के लिए तैयार है। उम्मीद है रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।